Everyone, so मैं Fortune, 369 से आप सभी मैं भावना फ्रॉम व्हील ऑफ़ थोड़ी सी अलग होने वाली है असरदार रेमेडीज लेकर आई हूँ इन तीनों में से अगर एक भी रेमेडी को आपने हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट के साथ कर लिया तो डेफिनेटली आपको उसके हंड्रेड परसेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे ओके सो so, uh, सबसे पहले रेमेडीज की बात करने से पहले तो अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं ये रेमेडीज आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आप किसी भी तरीके के क्रिस्टल्स हमसे लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं क्रिस्टल फॉर्म में या फिर क्लस्टर uh, फॉर्म में पेंडेंट फॉर्म में ट्री फॉर्म में किसी भी फॉर्म में अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मैं स्पेसिफिकली इन क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करके आपके नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से तो आपको सेंड करती हूँ ठीक है सो so आप इन्हें डेफिनेटली ले सकते हैं तो आगे चलते हैं गाइस एंड इट्स लाइक अ सबसे पहले तो जैसे कि आज हम रेमेडीज की बात कर रहे हैं और अगर आपको uh, ये जो भी रेमेडीज आपने करनी है ना इट्स लाइक विद हंड्रेड परसेंट फेथ के साथ आपने इन रेमेडीज को करना है आपको अगर ऐसा थोड़ा भी फील होता है ना कि आपका पार्टनर uh, का इंटरेस्ट आप में फेड अवे हो गया है या फिर आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा है आपको वो गोस्टिंग की एनर्जी देकर चला गया यानी बिना कुछ बताए आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया ठीक है तो और आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करें आपको मैसेज करें आपसे बात करें क्लैरिटी मिले आपको ठीक है तो उन सब चीजों के लिए रेमेडी है सबसे पहले तो मैं जो रेमेडी बता रही हूं दैट इज क्रिस्टल रेमेडी ये जो है ना ये है रोज रोजक्वाड्स का क्रिस्टल ठीक है अगर आप इस रोज क्वार्ट के क्रिस्टल को पहन लेते हो ना तो ये क्रिस्टल करता ही हीलिंग है आपके रिलेशनशिप को हील करता है ये क्रिस्टल ठीक है और इसको स्पेसिफिकली जब आप एनर्जाइज करवाते हो मुझसे एनर्जाइज करवाते हो या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से अगर आप इसे एनर्जाइज करवा कर अपने लेफ्ट हैंड में वेयर कर लेते हो ना स्पेसिफिकली थर्सडे के दिन तो आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं मैंने बहुत लोगों के रीयूनियन यहाँ पर देखे हैं और इस क्रिस्टल को पहनकर देखे मतलब इस क्रिस्टल को पहनकर कितने ही लोगों का रीयूनियन रिकनसिलेशन हुआ है और अगर आपको उस चीज़ पर यकीन नहीं होता ना आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर रेगुलरली मतलब मैं डालती हूँ अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको हम क्रिस्टल सेंड करते हैं वो अपने रिव्यूज़ वहाँ शेयर करते हैं ठीक है एंड मैंने बहुत लोगों की यहाँ पर रीयूनियन होते हुए देखे हैं सिर्फ इस क्रिस्टल को पहनकर ये सिर्फ एक क्रिस्टल नहीं है इसमें जो पावर है ठीक है आपको हील करने की ठीक है वो लिटरली अमेजिंग है तो अगर आप री चाहते हो आप चाहते हो अगर आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में फेड अवे हो गया है वो अब आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप दोनों का रिकनसिलेशन नहीं हो पा रहा है री नहीं हो पा रहा है आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत तड़पते हो बहुत एंशियस डिप्रेशन फील करते हो आप आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं तो हम सब सिचुएशन के लिए क्रिस्टल हैं ठीक है सो so या yeah, सबसे पहले तो यहाँ पर है विच इज अ रोज स्क्वाड क्रिस्टल ठीक है ये आपको मे बी व्हाइट कलर का थोड़ा लग रहा होगा बट इट इज पिंक इन कलर ठीक है ये थोड़ा टाइम के साथ जब इस पर एयर लगती है तो इसका कलर वाइटिश सा हो जाता है इस तरीके से ही वाइटिश हो जाता है बट इट्स ये जो आपके पास आता है ना तो ये पिंक कलर का होता है प्योर पिंक कलर ओके सो ये क्रिस्टल होता है इट इज अ रोज क्वाड्स क्रिस्टल आप इसे डेफिनेटली वेयर कर सकते हो और इसके अमेजिंग रिजल्ट आप देख सकते हो ओके okay, तो सबसे पहले तो इन क्रिस्टल्स को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग अब सेकेंडली जो आपने करना है ठीक है सेकेंडली जो आपने करना है तो मैं आपको ना एक स्विचवर्ड बता रही हूँ ठीक है ये स्विचवर्ड है इस वर्ड को अगर आप चैंट करते हो ठीक है आपने क्या करना है स्विच स्विचवर्ड को चैंट करना है अब इस स्विचवर्ड को आप कैसे चांट करोगे आप चैंट करोगे मॉर्निंग में दो वे हैं इसको चैंट करने के मैं पहला वे बता रही हूं आप ध्यान से सुने सबसे पहला वे है आप इसे मॉर्निंग में इवनिंग में और नाइट में चैंट कर सकते हो ठीक है मॉर्निंग में आपने चैंट करना है ट्वेंटी सेवन टाइम्स इवनिंग में चैंट करना है 27 टाइम्स रात को चैंट करना ट्वेंटी सेवन टाइम्स इस तरीके से आप या तो इसे तीन बार चैंट कर सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप तीन बार नहीं कर पा रहे हो चैंट या आप इवनिंग में इसे भूल जाते हो तो आप इसे पूरे दिन में या तो मॉर्निंग के टाइम में या रात को सोने से पहले आप इसे चैंट कर सकते हो ठीक है सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले बिकॉज ये दो ऐसे टाइम पीरियड होता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ओके तो तब क्या होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उस टाइम पे इसलिए सुबह उठते ही रात को सोने से पहले या तो आप इसे कोई भी एक टाइम पीरियड आप ले लो जिसमें आप इसे हंड्रेड एंड एट टाइम आप इस स्विचवर्ड को चैंट कर सकते हो ओके ओके सो स्विचवर्ड क्या है मैं आपको वो वर्ड बता देती हूं वर्ड है सडनली सडनली reach connect between ये आपका स्विचवर्ड है सडनली रीच कनेक्ट बिटवीन ये आपका स्विचवर्ड है अब यह स्विचवर्ड से क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं इस स्विचवर्ड से अगर आपका पार्टनर आपसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, आपको block कर रहा है आपको ब्लॉक कर रखा है और आपको रीच आउट नहीं कर रहा है आपको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं दे रही है या फिर आपको बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन मिल रही है ठीक है तो उस मामले में ये स्विचवर्ड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है इस स्विचवर्ड को जब आप चैंट करते हो ठीक है और तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं आपका पार्टनर आपको इमिडिएटली कॉल या मैसेज करता है इस स्विचवर्ड को चैंट करने से ठीक है आपको वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने 24 फोर आवर्स में ही इसके रिजल्ट देखे हैं यानी एक दिन में ही इसके रिजल्ट आ जाते हैं ठीक है सो या आप एक दिन में भी अगर आपके रिजल्ट आ रहे हैं तो भी या फिर अगर आप इसके uh, रिजल्ट एक दिन में नहीं भी आ रहा है तो भी एटलीस्ट आपको इसे 40 डेज तो चैंट करना ही करना है ठीक है जिस दिन से आप इसे चैंट करना स्टार्ट करोगे आपको नेक्स्ट फोर्टी डेज तक इस स्विच वर्ड को चैंट करना ही करना है तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्विच वर्ड इसके साथ साथ एक एंजेलिक नंबर भी मैं आपको बता देती हूं ठीक है दिस इज द एंजेलिक नंबर आप इस नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में लेफ्ट बॉडी पार्ट में ब्लू कलर के पेन से या किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हो विद एन इंटेंशन कि आपका पार्टनर आपको कॉल करें ठीक है विद एन इंटेंशन कि आपका पार्टनर आपको कॉल करे तो यह है एंजलिक नंबर यह है स्विच वर्ड ठीक है रेगुलरली इन्हें चैंट करना है रेगुलरली और रेगुलरली आपको इस नंबर को अपने हाथ पर लिखना है रोज ठीक है अगर मिट जाता है दोबारा लिखो रेगुलरली लिखना 40 है ठीक है फोर्टी डेज तक रेगुलरली लिखना है पॉजिटिव रहना है माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए क्लियर होनी चाहिए आपकी इंटेंशन कि आप अपने पार्टनर से कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो ओके सो दिस इज द मेथड जिससे आपके पार्टनर का कॉल और मैसेज आपके पास डायरेक्टली आता है अब ये तो हो गई सेकेंड रेमेडी विच इज स्विच वर्ड एंड एंजलिक नंबर ये आप कर सकते हो चलो अब तीसरी रेमेडी मैं आपको बता रही हूं विच इज अ वेरी थर्ड रेमेडी ठीक है इस रेमेडी को भी अगर आप कर लेते हो ठीक है ये जो भी रेमेडी आप कर रहे हो डेफिनेटली आपको बहुत पॉजिटिव रहना है आपको बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इन रेमेडीज को करना है विथ ट्रस्ट ठीक है सो थर्ड रेमेडी यहां पर है जिसके अंदर आपको एक पेपर लेना है इस तरीके का वाइट पेपर लेना है ठीक है सिंपल एक वाइट पेपर आपने ले लेना है ऐसे आप रखोगे आपने दो बॉक्स बनाने हैं यहां पर वन बॉक्स देख रहे हो आप आई होप सो इट्स क्लियर दूसरा बॉक्स आपने नीचे बनाना है ठीक है इस तरीके से आपने दो बॉक्स बना दिए यहां पर आपने बनाना है एक एरो इस तरीके से दिस इज एन एरो यहां पर आप लिखोगे अपने पार्टनर का नाम किसका नाम लिखोगे पार्टनर्स नेम ठीक है यहां पर आ जाएगा आपके पार्टनर का नेम बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है यहां पर आपका आना चाहिए चाहे आप बिग बॉक्स बना सकते हो मेक श्योर बॉक्स के बाहर नहीं जाए थर्ड यहां पर आपने लिखना है अपना नाम योर नेम क्लियर इतना क्लियर हुआ है आप उससे कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हो ठीक है यहां बीच में आप लिख दोगे कॉल मी सून क्या करना है कॉल मी सून ये एक टाइम कब करना है आपने रात को सोने से पहले ये एनर्जी तभी मैं लेट नाइट वीडियो में से डाल रही हूं रात को सोने से पहले आपने करना है इतना कर लिया आपने अब इस पेपर को थ्री टाइम्स अपनी तरफ फोल्ड करो थ्री टाइम्स अपनी तरफ फोल्ड करो वन टू थ्री ठीक है इसे अपने पर्स में रख लो अपने पिल्लों के नीचे रख लो अपने मतलब अपने पास रखना है आपने इसे ठीक है ताकि आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रहें ठीक है आपके पार्टनर का कॉल आएगा जब आपके पार्टनर का कॉल आ जाए उससे आपकी बात हो जाए फाड़कर फेंक देना है ठीक है उसके बाद आप इसे फाड़कर फेंक सकते हो डस्टबिन में फेंक सकते हो नो no इश्यू बहा दोगे तो भी नो no इश्यू तो भी अच्छा रहेगा ठीक है सो दिस इज द वेरी थर्स्ट थर्ड थिंग तो ये आपने करना है तो ये मैंने जो तीन रेमेडीज बनाया बताई हैं अगर आप तीनों एक साथ भी करते हो तो भी इट इज वेरी गुड अगर आप तीनों में से कोई एक भी रेमेडी कर लेते हो ना तो आपको लिटरली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे और हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट के साथ करना है और जब आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको आ जाए तो या कमेंट्स में आकर जरूर बताना ठीक है अब कमेंट्स में बताने से क्या चीज़ होगी कमेंट्स में जब आप बताओगे आप अपनी पॉजिटिविटी दोगे कमेंट्स में है ना कि हाँ मैम मेरा रीयूनियन हुआ है तो जितने लोग उस कमेंट को पढ़ेंगे उसमें क्या होगा उन सबको भी वो पॉजिटिविटी मिलेगी एक ट्रस्ट डेवलप होता है क्योंकि ये जो रेमेडीज है ना मैंने यूं ही नहीं दी है ठीक है इन रेमेडीज को मैंने अपने पर्सनलाइज क्लाइंट्स तक को दे रखा है और मैंने उनसे देखा है उनके हंड्रेड परसेंट रिजल्ट ठीक है सो यार डेफिनेटली ये जो है इन तीनों में से कोई भी एक रेमेडी ट्राई करो ठीक है और आपको बहुत जल्दी वेरी सुन यू विल मैनिफेस्ट द कॉल बहुत जल्दी आपको कॉल मैनिफेस्ट होगा अपने पार्टनर की तरफ से और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी अब ये चीज़ें अगर वर्क करी आपके लिए ठीक है तो कमेंट्स में आकर भी जरूर बताना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है ठीक है चलो सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस और अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई पसंद आई आपको तो जरूर लाइक करो शेयर करो ठीक है सो थैंक यू सो मच बाय बाय एंड डू टेक केयर